हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे हाइपर नीडल थ्योरी, टू स्टेप फॉलो थ्योरी, मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी और यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। और इन सभी थ्योरी के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है, तो यही सब आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाइपोडायरमिक नीडल थ्योरी के बारे में। और इसको अलग अलग और नामों से भी पुकारा जाता है, एग्जाम के अंदर अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। हाइपोडायरमिक नीडल थ्योरी को मैजिक बुलेट थ्योरी और हाइपोडायरमिक, ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसके बाद में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये सारी थ्योरी, इनका मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वॉज नो सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन। पहले वर्ल्ड वॉर से पहले कम्युनिकेशन के लिए कोई अलग से फील्ड नहीं था जहाँ पे हम स्टडी कर सके कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर इसके बारे में नहीं बताया जाता था। देखिए, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका जो सिंपल मतलब है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाइपोडायरमिक नीडल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डायरेक्ट देते हैं, किसी भी ऑडियंस को डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑडियंस बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई सवाल जवाब किए हमारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेती है और वो बिल्कुल उसे सच मान लेती है। अगर हम उसे झूठ बोले तो भी सच मानेगी, सच कहेंगे तो भी वो सच मानेगी, और वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती हमारे साथ। उसे ये लगेगा कि जो उसे कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और हमारे जैसे कि प्रोपगेंडा इसी तरीके से किया जाता है। एक वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर हम 100 बार बोलेंगे तो वो सच ही लगने लगेगा, तो यही चीज़ होती है इस थ्योरी के अंदर। यहाँ पे मीडिया के द्वारा इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमें वो बिल्कुल सही लगेगी, हम उस पर कोई सवाल जवाब करेंगे ही नहीं। तो ये होता है इसका सामान्य भाषा में मतलब, हाइपोडायरमिक नीडल थ्योरी। और देखिए, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक इंजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसे समझाने की कोशिश की गई है इसके द्वारा। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और इंजेक्शन से डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर दवाई आ जाती है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती, इसी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है रेडियो के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर के द्वारा, किसी भी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। बीच में कोई ओपिनियन लीडर नहीं होता, कोई हमें समझाने वाला नहीं होता, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, और बल्कि हम भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करते, उनकी बातों को बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी हाइपोडायरमिक नीडल थ्योरी है। और इसी तरीके से अगर हम मैजिक बुलेट के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से होगा, जैसे हम कहते कि जो हमारी गन है, गन से निकली हुई गोली दोबारा वापस नहीं जाती, ठीक है। इसी तरीके से इसने समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से गन से अगर कोई गोली चला देता है तो वो वापस नहीं जा सकती ना गन के अंदर, इसी तरीके से जब मीडिया के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है तो वो वापस उसके अंदर नहीं आ सकती, मीडिया के अंदर नहीं आ सकती। इसको बहुत अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए कि कोई हमारे पास बहुत बड़ा टीवी चैनल है और उसके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी गई और बाद में उस टीवी चैनल को पता चला भाई ओहो ये तो आपसे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, बट वो चाहे बाद में कितनी भी कोशिश कर ले वो ऑडियंस को नहीं समझा पाएगा कि उन्होंने जो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत दी थी। क्योंकि उसका रीजन ये है, पहले जब उसने मान के चलिए इन्फॉर्मेशन दी तो 1 लाख लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन सुनी, सभी ने उसको सच मान लिया, बट बाद में उनको पता चला कि ये गलत है। तो हो सकता है जब वो क्लैरिफिकेशन दे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जिन 1 लाख लोगों ने वो खबर सुनी थी दोबारा वही 1 लाख लोग उस खबर को सुने, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन किन किन लोगों ने सुनी है। तो इस तरीके से इसे समझाने की कोशिश की गई है कि हाइपोडायनेमिक और मैजिक बुलेट में भी जिस तरीके से एक बार कोई चीज़ दे दी जाती है उसी तरीके से हमारी मीडिया के अंदर एक बार कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसे वापस हम नहीं ले सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोडायनेमिक नीडल थ्योरी कहेंगे। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो भी हमारी ऑडियंस है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी, जो भी हम बात कह रहे हैं उसका। आप यहाँ पे पढ़ना चाहे तो इसका आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम प्रोपगेंडा के रूप में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हिटलर को आपने सुना होगा,
उसके बारे में पढ़ा होगा। हिटलर यही करता था, वो प्रोपगेंडा फैलाता था, अपनी देश की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश करता था। उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती थी, बट वो इस तरीके से गुमराह करता था कि लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा जो राजनेता लोग है वो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। और इसमें शक्ति होती है हमारी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की। और क्लैपर ने इस बारे में क्या कहा है, और एक मिनट इससे पहले ये चीज़ और देख लेते हैं, कब आई थी ये थ्योरी, डेवलप इन द 1920 और 1930, ये 1920 से लेके 1930 के बीच में डेवलप हुई थी। लीनियर कम्युनिकेशन थ्योरी है, लीनियर मीन्स यानी कि एक ही दिशा के अंदर चलने वाली ये हमारी थ्योरी है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ही साइड होता है, फीडबैक इसके अंदर नहीं लिया जाता। पैसिव ऑडियंस, ऑडियंस इसके अंदर जो होते हैं वो निष्क्रिय होती है, वो एक्टिव नहीं होती, वो कोई सवाल जवाब नहीं करते कि क्या गलत है क्या सही है, वो कुछ भी सवाल जवाब नहीं करते। और नो इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इसमें जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सभी एक जैसी उसे समझेंगे, एक जैसा ही उसे मानेंगे। ये नहीं है कि 10 लोग उसके बारे में अलग सोच रहे हैं, 10 लोग अलग, 10 लोग अलग, ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं होगा। इसमें जो एक समान ही सभी के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी और एक समान ही वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो क्लैपर है, क्लैपर ने इसके बारे में क्या कहा था, क्लैपर ने भी इसके बारे में एक सर्वे करने की कोशिश की थी और स्टडी की, इसके बारे में रिसर्च किया। तो इन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर क्या पाया, मास मीडिया और ऑर्डरली डज नॉट सर्व एज ए नेसेसरी एंड सुफिशियंट कॉज ऑफ ऑडियंस इफेक्ट। अब देखिए, हर थिंकर है, उसके सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, वो अपने हिसाब से किसी चीज़ को डिफाइन करता है। तो इन्होंने कहा है कि जो मास मीडिया है वो अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑडियंस पे इफेक्ट डालने के लिए मास मीडिया का यूज़ किया जाएगा, बट हाँ ये क्या होता है कि जो मास मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसमें क्या है, मीडिएटिंग का कार्य करता है, वो मध्यस्थता का कार्य करता है। मास मीडिया उसके अंदर सहयोग कर सकता है किसी भी बात को मनवाने के लिए। दीज मीडिएटिंग फैक्टर रेंडर मास कम्युनिकेशन एज ए कंट्रीब्यूटरी एजेंट इन ए प्रोसेस ऑफ रेनफोर्सिंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो मास मीडिया है ये क्या करता है, हमारी जो पहले से थिंकिंग बनी हुई है किसी भी चीज़ को लेके, उसको इम्प्रूव करने में या फिर उसको बिगाड़ने में काम करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें इन्फ्लुएंस करता है। बट क्लैपर ये कह रहे हैं कि ये 100% इन्फ्लुएंस करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। और एक और इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजीली भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था कि 1938 के अंदर एक अमेरिका के अंदर एक रेडियो पे कार्यक्रम शुरू किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि मंगल ग्रह पे जो प्राणी है वो पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। तो इस चीज़ को सभी लोगों ने बिल्कुल सच समझ लिया, उसने सोचा कि हाँ रियल में पृथ्वी पे हमला होने वाला है और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लोगों के अंदर बिल्कुल डर का माहौल बन गया था, क्योंकि उस समय लोगों के अंदर इतनी समझ नहीं थी, वो लोग यही सोचते थे कि रेडियो पे जो न्यूज़ आ रही है, रेडियो पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, चाहे वो नाटक के रूप में हो चाहे कैसे भी हो, वो सच होती है, वो सच मानते थे। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ इसका, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 2000 सन 2000 के करीब हम बात करें तो शक्तिमान सीरियल आता था हमारा, तो उस समय ज़्यादातर जो बच्चे होते थे उनको ये लगता था कि जो शक्तिमान है वो रियल में कोई भगवान है, वो हमें बचाने आएगा अगर हम कहीं से गिर गए तो। और बच्चे खुद घूमने की कोशिश करते थे, वो सोचते थे कि हम शक्तिमान बन जाएंगे। तो ऐसा होता था कि यही है हाइपोडायनेमिक नीडल थ्योरी के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है तो हम उसको बिल्कुल सच समझ लेते हैं, कोई सवाल जवाब उसके बारे में हम नहीं करते। बट आजकल आप सभी को पता है कि आजकल तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है और यूट्यूब है, कोई भी चाहे कुछ भी कह दे उसके अपोजिट में लोग आ जाएंगे, चाहे व्यक्ति सही कह रहा हो चाहे गलत कह रहा हो, उसका विरोध करने वाले आ जाएंगे, उससे तर्क वितर्क करने वाले आ जाएंगे जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हाइपोडायनेमिक नीडल थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है टू स्टेप फॉलो थ्योरी। अब देखिए, टू स्टेप फॉलो थ्योरी के पहला जो हमने बात की थी मैजिक बुलेट थ्योरी, उसके अंदर क्या था, एक ही स्टेप था, डायरेक्टली
एक एक दिशा में संदेश जा रहा है और उसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक ही स्टेप है। बट यहाँ पे दो स्टेप की बात की गई है, और इन्होंने क्या कहा है कि इन द अर्ली 14 AC बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन, लेजरफेल्ड, वेलसन एंड गॉडेट कंडक्ट ए अमेरिकन सर्वे ऑन मास कैंपेन। अब देखिए, जो टेलीविजन की का आविष्कार होने से पहले लेजरफेल्ड, बैरलसन एंड गॉडेट ने एक सर्वे कंडक्ट किया था अमेरिका के अंदर, और इस स्टडी के अंदर इन्होंने क्या क्या इन्होंने पाया। द स्टडी रिवाइल्ड दैट इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप हैड प्ले ए पार्ट इन मॉडिफिकेशन द मैनर इन विच इंडिविजुअल सेलेक्टेड कंटेंट फ्रॉम द मीडिया कैंपेन। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अनौपचारिक सोशल रिलेशनशिप है, हमारा भाई बहन के साथ है, अपना यार दोस्त के साथ है, चाचा ताऊ के साथ रिलेशनशिप है, तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हमारे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है मास मीडिया के जरिए, उसको प्रभावित करने में ये जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है काफ़ी इफेक्ट करते हैं। ये कैसे प्रभाव डालते हैं हमारे मास मीडिया से जो भी इन्फॉर्मेशन आते हो। देखिए, मान के चलिए हमारे सामने अब वो चीज़ आ रही है ना, जैसे कि 5G की बात कर रहे हो, कई लोग कह रहे हैं कि 5G रेडिएशन से हमारे कोरोना वायरस फैल रहा है, ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको उस खबर को मानेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हम अपने यार दोस्त से एक दो बार तो ज़रूर पूछेंगे कि क्या यार रियल में जो 5G की रेडिएशन है उसी से कोरोना बढ़ रहा है क्या, है ना? तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे उनसे। तो हो सकता है कई दोस्तों ये कहते हैं, हाँ, कोरोना वायरस जो है ना वो 5G की वजह से ही बढ़ रहा है, टेस्टिंग बहुत हो रही है। लेकिन हो सकता है एक दोस्त हमारा आके ये कह दे कि ना 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 ना, 5G की वजह से नहीं बढ़ रहा, 5G की जो रेडिएशन है वो कोरोना वायरस को बढ़ाने में सक्षम नहीं है, वो उसको नहीं बढ़ा सकती, वो अलग वेव होती है और ये बीमारी अलग है। तो वो हमें एक साइंटिफिक वे में समझाए। तो जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है वो किसी भी मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन आते हैं तो उसको प्रभावित करने में इनका काफी रोल होता है। द स्टडी आल्सो इंडिकेट दैट आइडिया ऑफ्टन फॉलोड फ्रॉम द रेडियो एंड न्यूज़पेपर टू ओपिनियन लीडर एंड फ्रॉम देम टू द लेस एक्टिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इन्होंने एक और बात क्या कही है टू स्टेप फॉलो थ्योरी के अंदर, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले हमारे ओपिनियन लीडर के पास आते हैं, उसके बाद में जो अदर हमारी ऑडियंस है उसके पास हो जाती है। अब जैसे मान के चलते, इसका मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए हमारे आस पास में मान लो ज़्यादातर लोग क्या है, फेसबुक चलाते हैं। युवा जो लोग हैं, युवा क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास ना 5G रेडिएशन बढ़ रही है। उन्होंने कहाँ देखा, कहाँ देखी ये चीज़? उन्होंने व्हाट्सएप पे देखी, उन्होंने फेसबुक पे देखी। वो फिर क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दादा को बताएंगे, अपनी मम्मी को बताएंगे, जो फेसबुक नहीं चलाते बेचारे, उनके पापा चलाते नहीं है, कईयों के जो पापा है वो चलाते नहीं है। तो वो क्या करेंगे, जो युवा लोग हैं वो एक्साइटमेंट में अपने घर वालों को बताएंगे कि ये जो आजकल मौत हो रही है ना कोरोना वायरस की वजह से, ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, 5G रेडिएशन का है। अब वो चाहे 5G रेडिएशन वाली बात सही हो या गलत हो, वो एक अलग मैटर है, बट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसके पास आई, युवाओं के पास आई, जो इसे जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया चलाते हैं उनके पास आई, और उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दी जो फेसबुक वगैरह नहीं चलाते, जो डिजिटल मीडिया से कनेक्ट नहीं है, तो फिर उन लोगों के बीच में ये बात चली जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर टू स्टेप हो जाते हैं, दो स्टेप होते हैं। नंबर एक तो क्या होता है कि हमारा जो मास मीडिया से ओपिनियन लीडर के पास आएगी, और ओपिनियन लीडर से फिर जो लेस एक्टिव ऑडियंस होती है हमारी, उनके पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी। अब देखिए, जो युवा लोग हैं, ओपिनियन लीडर है, ओपिनियन लीडर तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहस कर लेंगे, हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं है, बट जो हमारी लेस एक्टिव ऑडियंस है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनको जैसा कहा जाएगा वैसा वो मान लेंगे, वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हमारे साथ नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा टू स्टेप फॉलो थ्योरी के अंदर, यानी कि इसके अंदर दो चरणों के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। और ये देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक मीडिया दिखाया है। सबसे पहले मीडिया के द्वारा सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ओपिनियन लीडर के पास जाती है ये, ठीक है, और उसके बाद में ओपिनियन लीडर से फिर जो हमारी लेस एक्टिव ऑडियंस होती है उसके बाद में ये हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो ये इस तरह से हमारे टू स्टेप हो गए, दो स्टेप हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, टू स्टेप फॉलो थ्योरी कहेंगे। जी, तो उम्मीद करता हूँ
आपको समझ में आ रहा होगा, है ना जी। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे को बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर, जैसे इन्होंने नाम से ही बताया मल्टी स्टेप, इसके अंदर कई स्टेप होंगे, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के कई स्टेप होंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी कई स्टेप से होती हुई आएगी। देखिए इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें इन्होंने क्या दिया है। द मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी अज्यूम आइडिया फॉलो फ्रॉम मास मीडिया टू ओपिनियन लीडर बिफोर बीइंग डिसमिनेटेड टू ए वाइडर पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि जो भी हमारी मास मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डायरेक्ट लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने से पहले वो किसके पास जाएगी, ओपिनियन लीडर के पास वो जाएगी। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द सोशोलॉजिस्ट पॉल लेजरफील्ड इन 1944 एंड एलोबरेटेड बाई इल्हू कार्ट्स एंड लेजरफील्ड इन 1955। इसको कब ये हमारे संज्ञान के अंदर आई थी, कब इसे इसके बारे में बताया गया था, 1944 के अंदर लेजरफील्ड द्वारा बताया गया था, और इसको प्रयोग में कब लाया गया, 1955 के अंदर इल्हू कार्ट्स और लेजरफील्ड के द्वारा ये प्रयोग में लाई गई थी। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं हम। द मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी ऑफर ए लार्ज रेंज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ओपिनियन लीडर इंफॉर्मेशन सोर्स एंड ऑडियंस देन द टू स्टेप मॉडल। अब सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत है ही नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या कहा गया कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो कई स्टेप से होती हुई हमारे पास आती है, और उसके बाद में वो जो हमारी लेस एक्टिव ऑडियंस है उसके उसके अंदर वो फैल जाती है। और इसके अंदर टू स्टेप नहीं होते, इसके अंदर दो स्टेप नहीं होते, इसके अंदर हो सकता है 5 स्टेप हो सकता है 10 स्टेप हो, पता नहीं अनगिनत स्टेप इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और विच आर्ग्यू दैट इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मास मीडिया डायरेक्टली टू इन्फ्लुएंसर हु देन डायरेक्टली शेयर इट विद देयर ऑडियंस। यही है, इसके अंदर कई स्टेप से होती हुई आती है, और डायरेक्टली इसके अंदर जो ऑडियंस है वो उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होती। और इसका हम एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसका एग्जाम्पल। आज के समय में तो चलो हम मान लेते हैं भाई कोई भी घटना घटी हमारे देश के अंदर तो वो सीधी क्या है, फेसबुक पे आएगी, फेसबुक से सभी को वो पता चल जाएगी। बट पहले पता है क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे जो मैं कहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा की मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी राजा की मृत्यु होगी तो 3 साल लगे वो इन्फॉर्मेशन पूरे देश में फैलने में, ठीक है। 3 साल का समय लगा, 3 साल के अंदर जाके पूरे देश को पता चला भाई हाँ इस राजा की मृत्यु हो गई है। क्योंकि पहले हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया नहीं था और टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। आज से अगर 500 या 1000 साल पहले की बात करें तो उस समय क्या होता था, एक दूसरे के शब्द मुंह से हम सुनते थे, ओपिनियन लीडर के द्वारा हम सुनते थे। तो यही होता है इसके अंदर कि जब एक इंफॉर्मेशन कई लोगों से होते हुए हमें पता चले तो उसमें क्या होगा, मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी वो कही जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप और कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। बट इसका कहने का मतलब यही है जो मैंने बताया कि कई स्टेप में होते हुए हमारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। और जैसे एक और इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे और भी अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए रुकिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि कहीं पे कोई घटना घट गई है कि किसी, ये मान के चलते हैं कि ये कोई हॉस्पिटल है हमारा, ठीक है। इस हॉस्पिटल के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनके ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, ठीक है, उनके ऑर्गन निकाले जा रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल के अंदर ऑर्गन निकाले जा रहे हैं, ये खबर किसी व्यक्ति ने रिपोर्टर को दी, ठीक है, कहाँ पे दी, रिपोर्टर को दी, न्यूज़ रिपोर्टर है उसको दी। ये कौन सा न्यूज़ रिपोर्टर है पहले ये देख लीजिए, ये है हमारा प्रिंट मीडिया का, अखबार का है ये, ठीक है, न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। इसने ये खबर फिर जाके कहाँ पे दी, अपने एडिटर को दी, ठीक है, एडिटर को दी। एडिटर ने फिर इस रिपोर्ट को देखा, उस पर थोड़ा और रिसर्च किया, फिर इसने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन पब्लिश होने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दे दी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस से फिर ये क्या हुई, ये हमारे पास आई, गांव के अंदर या शहर के अंदर जिन लोगों ने अखबार
बांध रखा है उन लोगों के पास ये आई, ठीक है, ये हमारे जनता के पास आई, जनता लगा लो यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास जनता के पास नहीं, जनता नहीं, किसी एक व्यक्ति के पास आई, उन व्यक्तियों के पास आई जो अखबार लेते हैं। अब देखिए अखबार पढ़ने वाले फिर दूसरे लोगों को बताएंगे ना, भाई आजकल देश में ऐसा चल रहा है, कई लोग क्या कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनके ऑर्गन निकाल रहे हैं, उनके अंग निकाल रहे हैं और वो बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कितने स्टेप हो गए यहाँ पे, हमारे रिपोर्टर हो गया, एडिटर हो गया, और प्रिंटिंग प्रेस होगी, और फिर वो व्यक्ति होगा जो अखबार खरीद रहा है, तो यहाँ भी क्या हो गया, कई स्टेप हो गए हमारे, है ना। और हो सकता है फिर बाद में जाके पता चले भाई ये जो खबर है ना ये तो गलत थी, ये तो कोई फिल्म चल रही थी, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें ये सीन फिल्माया जा रहा था, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जिस व्यक्ति ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इसे पता नहीं था ये फिल्म हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पे तो इस व्यक्ति ने तो ये बात हजारों लोगों को बता दी ना, सैकड़ों लोगों को यहाँ पे बता दी, और इन लोगों ने फिर आगे बता दी ये बात, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर ये बाद में इससे पता चल गई भाई ये खबर झूठी थी, अब ये इसे बता सकता है, ये इसे बता सकता है, बट ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, इस व्यक्ति को बता पाना मुश्किल है, ये इसे बताएगी या नहीं बताएगी कोई कह नहीं सकते, और ये व्यक्ति इन सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं देगा ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारा मास मीडिया का, ठीक है, एक बार इससे चीज़ें निकल तो जाते हैं बट वापस इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा, और रुके आगे हम करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी, और रुको भाई इसको करते हैं, सही करते हैं इसको। अरे भैया कैसे होगा ये डिलीट, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं, इरेज 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 ड्राइंग, इरेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसके अंदर, देखो कमेंट, हाँ इरेज ही रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसका तो साइज भी बड़ा नहीं है, साइज भी बड़ा नहीं है इसका तो। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम जितना हो रहा है हमसे इतना करेंगे। हाँ, चलिए कोई नहीं, आप हम इतना कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये मल्टी स्टेप फॉलो थ्योरी का ये आप ग्राफ है, ये आप ग्राफ भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये देखिए मास मीडिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा मास मीडिया है, ठीक है, ये हमारा मास मीडिया है, मास मीडिया से ये हमारे ओपिनियन लीडर है, ओपिनियन लीडर से ये फिर और व्यक्ति हो गए यहाँ पे, फिर इन व्यक्तियों ने आगे फिर इन्फॉर्मेशन दी, तो इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन कई स्टेप में होती हुई आगे जाती है। अगर आप चाहे तो इस ग्राफ को भी अपने एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हैं, जिन दोस्तों का थ्योरी क्या है कि सब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव लिखने वाला एग्जाम है, तो उसमें आप ये ग्राफ बना सकते हैं। जी चलिए आगे दोस्तों, हमारे पास लास्ट एंड फाइनल थ्योरी है, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। देखिए जैसा नाम से पता चल रहा है कि यूज एंड ग्रेटिफिकेशन, किसी चीज़ का हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसका क्या फायदा उठा रहे हैं, क्या अपनी संतुष्टि पूरी कर रहे हैं, क्या संतुष्टि कर रहे हैं हम, वो है ये थ्योरी। अब देखिए इसको बिल्कुल इजीली भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले हम देखते हैं ये थ्योरी किसने दी थी। देखिए दिस थ्योरी वाज सॉरी दिस थ्योरी प्रपाउंडेड बाय कॉट्स इन 1970 इन कंसर्न विद हाउ पीपल यूज मीडिया फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर नीड। इस थ्योरी का निर्माण कब हुआ था, 1970 के अंदर हुआ था, कार्ट्स ने इस थ्योरी को बनाया था, और इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, लोग हैं, वो मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, किस किस पर्पज से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थ्योरी उस पे बेस है। एन आउटकम ऑफ अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, इट प्रपाउंड द फैक्ट दैट पीपल चूज व्हाट दे वांट टू सी और रीड एंड द डिफरेंट मीडिया कंपोनेंट्स
कम्पीट टू सेटिस्फाई ईच इंडिविजुअल्स नीड। अब देखिए, इन्होंने ये जो यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के बारे में बताया था, इन्होंने इसका आउटकम किसके बारे में बताया है? अब्राहम मास्लो का हिरैकी ऑफ नीड एक मॉडल है, ये भी एक मॉडल है, ये अलग मॉडल है, आगे हम करने वाले हैं इस मॉडल को। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति है वो किस लिए मीडिया का उपयोग करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें पूरी करती है। अब देखिए, मान के चलते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास ट्विटर है और यहाँ पे हमारे पास फेसबुक है। अब हर कोई व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल अपना टाइम पास करने के लिए नहीं करता, और हर कोई व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल स्टडी के लिए नहीं करता, और हर कोई व्यक्ति अपना फेसबुक का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी नहीं करता। ठीक है, अब देखिए, कई क्या होते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, यानी कि उनको न्यूज़ पढ़नी है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग क्या है, प्लेजर, उनको अपना क्या है कि इच्छा पूर्ति करनी है, उनको वो बोर हो रहे हैं, उनको खुशी मिलनी चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे वीडियो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, और यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। अब देखिए, यूट्यूब की हम बात करें, ठीक है, तो यूट्यूब पे क्या है कि यूट्यूब पे हमारे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर तरह की वीडियो अवेलेबल है। वहाँ पे हमारे पास एजुकेशनल वीडियो भी है, वहाँ पे हमारे पास खेती से रिलेटेड भी वीडियो है, और गृहिणी जो है, महिलाएं हैं, उनको घर में किस तरह से बेटर काम करना चाहिए, क्या नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, वो भी है। यहाँ पे हमारे पास गाने भी है, यहाँ पे हमारे पास कपिल शर्मा शो भी है, यानी कि हर व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे कंटेंट हमें दिया हुआ है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति उसका इस्तेमाल किस वजह से कर रहा है, किस लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे कई एम्पावरमेंट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इंटरेक्टिविटी के लिए, एक दूसरे दूसरे से उनको बातचीत करनी है, उसके लिए भी फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मीडिया एक है, बट सभी लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूज़ एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी हम इसे कहेंगे। और ये जो है ना हमारा, ये देखिए, अब्राहम मास्लो का जो ये जो मॉडल है हमारा, हिरैकी ऑफ नीड, इसके अंदर 5 लेवल दिए गए हैं कि व्यक्ति किस लिए इसका इस्तेमाल करता है, और इन लेवल के बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे जब मॉडल करेंगे। इसमें कहा गया है, बेसिक नीड सच एज फूड एंड क्लोथिंग एट द बेस, एंड द हायर ऑर्डर नीड क्लाइंबिंग अप द पैरामिड। ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आपको समझ में आएगी, पूरा ग्राफ ग्राफ है उसका, तो तभी आपको समझ में आएगी, अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ये अगली जो थ्योरी है उसके अंदर हम करने वाले हैं। बट आप इतना समझ लीजिए, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के अंदर सिर्फ इतना ही है कि किसी भी मीडिया का इस्तेमाल हम किस वजह से करते हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।